आप 4880 रुपए की मैंने किताब खरीदी, उसकी पर्ची मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ सर, और पर्ची भी दिखा सकता हूँ। ये देखो सर, बीडीएस स्कूल की बात है सर ये, और ईएमसी स्कूल की 2700 रुपए किताब है सेकंड क्लास की। उसमें दुकानदार बोल रहा है कि 60% हम स्कूल वाले को देते हैं, जिसमें स्कूल वाले ने बोल रहा है कि 10% कमीशन आप गार्जियंस को दे दो। सर मेरा बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है और 4864 रुपए का बिल दिया है। दो उन्नी बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा है बीडीएस स्कूल के अंदर, और दूसरी दुकान पर कोई किताब नहीं मिली। मैंने पूरे मार्केट में ट्राई की, फिर दुकानदार बोला भाई मेरा 10% कमीशन है, बाकी स्कूल वालों की किताब है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार, और जो राजस्थान सरकार है वो सभी जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखती है। लेकिन लगातार शिकायतें आ रही थी कि निजी शिक्षण संस्थानों में किताबों के नाम पर लूट मची हुई है। इस समय कुछ परिजन हैं उन बच्चों के जो आरटी में उनका बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उसके बाद उनसे किताबों के नाम पर ठगी की जा रही है। वो परिजन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं क्योंकि वो मार्केट में आए हुए थे बुक लेने के लिए। उनसे हम बात करते हैं, उनकी जो परेशानी है आखिरकार क्या है और जो पूरा जो मामला है शॉर्ट आउट कैसे हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम श्रीराम यादव है। श्रीराम भाई, लगातार आप शिकायतें कर रही थी कि किताबों के नाम पर यहाँ लूट मची हुई है, क्या है पूरा मामला ये? सर मैं अभी किताब खरीदने के लिए मार्केट में आया था, तो मार्केट में जैसे मेरा बच्चा ईएमसी स्कूल में सेकंड क्लास में पढ़ता है सर, ईएमसी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो हमारे तिरुपति मतलब कोलाइडा रोड पे है, उस स्कूल में मेरा बच्चा आरटी में पढ़ता है। आरटी में उस सिलेक्शन नहीं, 3 साल से मेरे बच्चे का आरटी में सिलेक्शन है। पिछली बार मैंने किताबें दिला दी थी, अब की बार भी मैं किताब लेने के लिए जब मार्केट में आया तो मार्केट में मेरे को 2700 रुपए किताब बताई गई। उसमें स्कूल वाले ने बोला कि दुकान वाले ने बोला कि मेरा कमीशन जो है वो स्कूल वाले वहन कर रहे हैं। दुकान वाले ने मेरे को बोला कि 20% आपको कमीशन देने न देके और 10% हम आपको कमीशन देंगे और 30% हम स्कूल वाले को कमीशन दे रहे हैं। अब स्कूल वाला जो किताबें हैं वो स्कूल की तरफ से बनती हैं, स्कूल वाला 60% कमीशन वहन कर रहा है खुद और 10% हमें कमीशन दिला के। और आप इसी दुकान पे क्यों ले रहे हो और अन्य दुकानों पर? सर अन्य दुकानों पे किताबें मिलती नहीं, हर स्कूल वाले ने नारायणपुर में जितनी भी स्कूल है हर स्कूल वाले ने अपनी अपनी किताबों के लिए या तो स्कूल में खुद ने रख रखा है या फिर मार्केट में एक एक दुकान चुन रखी है, उन्हीं दुकानों पे एक दुकान पे किताबें मिलती हैं हर स्कूल की। जैसे भारती सीनियर सेकेंडरी हो गया, बाल भारती हो गया, ईएमसी हो गया, तिरुपति हो गया, या कोई भी स्कूल ले लो, उस स्कूल की किताबें एक स्कूल की किताबें एक ही दुकान पे एक्सेप्ट होती हैं, वहीं मिलेंगी। दूसरी दुकान पे उनकी किताबें नहीं मिलती, दूसरी दुकान पे उनकी ड्रेसें नहीं मिलती है। ड्रेस भी इन लोगों ने फिक्स कर रखा है कि उसी दुकान पे ड्रेस मिलेंगी इनकी। आपका बच्चा तीसरी साल पढ़ते हुए सर, तो 2 साल पहले वो जब बुक हुआ वो कितने रुपए की बुक आई थी और कहाँ दिलाई थी आप? वो सर मैंने स्कूल से दिलाई थी, पर उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने इतना कन्फर्म भी नहीं किया। बाकी पैसा जो मैंने दिया था फर्स्ट क्लास की बुक का, मैंने 1800 रुपये दिया था सर, और अभी जो मेरे पास से ले रहे हैं 2700 रुपए ले रहे हैं। सर फर्स्ट क्लास में मेरा बच्चा बोलना भी नहीं सीखा था, उस टाइम मैंने 1800 रुपए किताब दिलाई थी सर। अभी आपने इसकी जो शिकायत है लिखित शिकायत वगैरह किसी शिक्षा विभाग के अधिकारी वगैरह से? अभी मैंने किसी को भी नहीं दिया, बाकी कल मैं सीबीओ साहब को डीओ साहब को लेटर लिख के और भेज दूंगा सर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा के नाम पर बीडीएस स्कूल वाले की जब किताब मैंने कल खरीदी तो वो सर सेकंड क्लास की किताब 4880 रुपए की मैंने किताब खरीदी, उसकी पर्ची मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ सर, और पर्ची भी दिखा सकता हूँ। ये देखो सर, बीडीएस स्कूल की बात है सर ये, और ईएमसी स्कूल की 2700 रुपए किताब है सेकंड क्लास की। उसमें दुकानदार बोल रहा है कि 60% हम स्कूल वाले को देते हैं, जिसमें स्कूल वाले ने बोल रहा है कि 10% कमीशन आप गार्जियंस को दे दो, और दुकानदार हमसे 10% कमीशन काट के ही वो पैसा लेता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा विभाग की जो निजी शिक्षण संस्थान है लूट मची हुई है। लगातार जो परिजन है बच्चों के वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हेमराज सैनी सर मेरा नाम। हेमराज जी, आपका बच्चा कौन सी में पढ़ता है? सर मेरा बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है और 4864 रुपए का बिल दिया है। दो उन्नी बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा है बीडीएस स्कूल के अंदर, और दूसरी दुकान पर कोई किताब नहीं मिली। मैंने पूरे मार्केट में ट्राई की, फिर दुकानदार बोला भाई मेरा 10% कमीशन है, बाकी स्कूल वालों की किताब है ये। ये देखो 4864 रुपए, 15 रुपए कम किया है मात्र, 15 रुपए कम करे जो। और ये बोल रहा है कि आप स्कूल वाले से बात। कितने बच्चों की किताबें हैं ये? दो बच्चों की किताबें हैं मात्र, एक बच्चे की 2400 रुपए की है जी सर। कौन कौन सी में पढ़ते हैं आपके बच्चे? दोनों चौथी क्लास में पढ़ते हैं मात्र। उन बच्चों का जो आरटी वगैरह में निशुल्क में हुआ है क्या? बिल्कुल सर, निशुल्क में एडमिशन हुआ है, और पिछली बार हमने 4200 रुपए की खरीदी थी दोनों की, और अब की बार 4864 रुपए के बनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो निजी शिक्षण संस्थान है वो लूट मची हुई है।
किताबों के नाम पर, वो किसी ना किसी दुकानदार को फिक्स कर लेते हैं और उसमें उनका जो कमीशन है वो एक निश्चित होता है और उसके तहत जो परिजन है, बच्चों के परिजन है, उनकी जेब काटी जा रही है। सर अब आगे का प्रोसेस आपका क्या रहेगा? आगे का प्रोसेस सर हमारा ये है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और दूसरी बात ये कि किताब मार्केट में एक से एक दुकान पे मिल जाएं। एक से एक अगर दुकान पे मिलेंगी तो हमारा थोड़ा बहुत ये हो जाएगा कि हर दुकान पे सस्ता सस्ता माल मिल जाएगा। हम जो गरीब आदमी है उनका मतलब गुजारा जैसे चल रहा है वैसे चलने दे लोग। बाकी स्कूल वालों ने सबने ठगी कर रखी है, हर एक स्कूल वाले ने एक से एक दुकान खोल रखी है। दूसरी बात, या तो वो ये कहते हैं कि हमारी स्कूल में मिलेंगी किताब, या फिर वो ये कहते हैं कि उसी दुकान पे मिलेगी, एक ही दुकान पे मिलेगी, और हर दुकान वालों ने एक दुकान खोल रखी है। आरटी में जो बच्चा है गवर्नमेंट ने निश्चित कर रखा है कि आरटी का पैसा किताबों का ड्रेस का हम लोग देंगे, बाकी वो लोग हमारे से कैश लेते हैं। बाकी कई स्कूल वाले ऐसे भी हैं जो स्कूल की फीस भी उगाते हैं आरटी में होने के बाद भी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो शिक्षा विभाग के जो ये निजी शिक्षण संस्थान है वो किस तरीके से लूट मची है, किताबों के नाम पर इनको लूटा जा रहा है। पहले ये स्कूलों में बेचते थे लेकिन अब इन्होंने एक निश्चित एक दुकान कर रखी है और उस पर एक कमीशन खोरी का जो खेल है वो इस समय चल रहा है। अभी जैसे परिजनों से बात हुई तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी है उनको लिखित शिकायत करेंगे, उसके बाद देखते हैं शिक्षा विभाग इन कमीशन खोरों पर किस तरीके से कार्रवाई करता है और क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।